सो गुड मॉर्निंग गाइज, पानी भी ख़त्म हो गया कल रात से और गला पूरा सूखा हुआ है। और गाइज वहाँ पे दूर में जो पानी एक जगह पे इकट्ठा था वो भी ख़त्म हो गया एज इन सोख कर लिया मिट्टी ने। मैं बोला ही था ना, वो बारिश का पानी ऐसे ही बहुत दिनों से जमा हुआ नहीं है। कल ही मुझे अपना बॉटल भर लेना चाहिए था, लेकिन कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे और भी पानी का जुगाड़ है क्योंकि मैं आसपास हूँ, पूरा बैम्बू से भरा हुआ है और बैम्बू के अंदर बारिश के टाइम में बहुत सारा पानी इकट्ठा करके वो लोग रखते हैं। तो चलो सबसे पहले मुझे पानी पीना है, उसके बाद अगर खाना ढूंढना, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे खोले, देखिए आप लोग गाइस, ये देखिए यहाँ पे खोले होल से कैसे पानी निकल रहा है। देखिए मैं थोड़ा इसके ऊपर काटता हूँ। जिसमें पानी अच्छे से निकालने की कोशिश कर रहा है उसी से फटके सारा निकल जा रहा है। तो गाइस देखिए, बस उसी एक में से कितना पानी इकट्ठा हो गया है। चलो और थोड़ा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर चलते खाना ढूंढने। और गाइस आप लोगों तो एक चीज बताने में भूल ही गया, कल रात को जो नज़ारा देखा यहाँ पे, मतलब इमेजिन नहीं करोगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये पूरा जंगल, पूरा ये जो बैम्बू का पेड़ है, लिटरली शाइन कर रहा था, जल रहा था रात को। मतलब रेडियम जैसे रात को जलता है ना, उसी टाइप का जल रहा था। शायद ये जो बैम्बू का ये जो वाइट कलर का जो भी है पता नहीं, लेकिन जल रहा था। मैं ऐसे ही सडनली रात में थोड़ा देखा, बोले क्या जल रहा है, कोई भालू वालू तो नहीं, उसका आग वाग तो नहीं जल रहा है भाई। देखा पूरा थोड़ा पास आया, क्योंकि ज़्यादा दूर से नहीं दिख रहा था, थोड़ा पास आने के बाद पूरा जंगल शाइन कर रहा था गाइस। मतलब सही बताओ, ऐसा मतलब जो मूवीज़ में होता है ना, आप लोग कोई भी अवतार वक्तार ये सब मूवी देख लो, सारा मूवीज़ में जैसे पूरा कोई एक मैजिकल जंगल जैसा हो, पूरा जल रहा है रात के बाद, पूरा डिफरेंट ही रूप दिखाता है, शाइन करता है चारों ओर लाइट वगैरह। उतना तो था नहीं, लेकिन हाँ इस बैम्बू का जो जितना भी मतलब एरिया है, सारा एरिया में पूरा जल रहा था लिटरली। मैं बहुत कोशिश किया कैमरा में लेने के लिए, लेकिन उतना कम था कि वो कैप्चर ही नहीं कर पाया, मेरा कैमरा उतना अच्छा है नहीं। तो लिटरली और सोचो ऐसे जंगल को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर दे तो कैसा लगे, बहुत बुरा लगता है। मत करो ऐसे जंगल डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ भाई मुझे लगता था ये सब मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। लेकिन गाइस जो देखा मैं कल रात को, ये जो मशरूम है मुझे ऑयस्टर मशरूम जैसा दिख रहा है, लेकिन उसका कलर थोड़ा येलोइश रहता है, लेकिन इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये शायद हम लोग खा सकते हैं, तो बढ़िया से चलो इसको निकाल लेते हैं। ओके दैट बिग मशरूम्स। कहाँ गया? अभी देखा था इसके नीचे ही था। आ भाई उसका कचुंबर निकल गया गाइस, पत्थर हटाया और उसका कचुंबर निकल गया। बहुत ढूंढा बस एक ही मिला, बहुत ढूंढा लेकिन और मिला ही नहीं। वॉट एवर, चलो इसको जाके पकाते हैं। फिर से मशरूम मिल गया, क्रैब भी मिल गया, सूप बनाते हैं, बढ़िया एनर्जेटिक रहेगा। क्योंकि मैं एक भी पार्ट इसका वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे क्रैब भी पूरा दे देते हैं, एनर्जी चाहिए। सीधा इसके अंदर डाल देते हैं।
गर्मा गर्म मशरूम क्राब सूप। मशरूम तो बहुत टेस्टी है। गाइस ये जो गरम गरम सूप जब अंदर जा रहा है ना, डजेंट मैटर इसका स्मेल कैसा हो, टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन सही में बता रहा हूँ गरम चीज अंदर जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस मैं जल्दी से अपना सूप कंप्लीट करता हूँ और यहाँ से निकलते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, आगे बहुत दूर जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा क्या नहीं, नो गारंटी, क्योंकि डेफिनेटली ये जो वाटर स्ट्रीम है इस पहाड़ी के अराउंड गया है। अभी ये पहाड़ी कितना बड़ा है क्या नहीं, नो आइडिया। तो सो गाइस चलो चलते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे नीचे पानी अवेलेबल है, बढ़िया है, यहाँ पे पूरा अवेलेबल पानी है, पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है गाइस। यहाँ पे आगे पानी नहीं है और ये पानी पहाड़ी के नीचे से ही आ रहा है, पूरा प्योर वाटर है, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आप इसको पी सकते हैं ऐसे। सुकून लग रहा, मन कर रहा है अभी नहा लूं यहाँ पे, लेकिन नहीं नहा सकता। यहाँ का नज़ारा बहुत ही औसम है, बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। और आप लोगों को बता दूँ ये जो वाटर स्ट्रीम में मछली क्रैब बगड़ा भर्ती पड़े हुए, भर्ती है हर जगह पे। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए क्रैब देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये देखिए, और एक बहुत ही सही जगह है, लेकिन दिक्कत की मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ पे रहना नहीं है, वरना बहुत ही परफेक्ट जगह थे यहाँ पे रहने के लिए। चलो ऐसे क्रैब आगे बहुत मिल जाएंगे, सबसे पहले मुझे नदी किनारा आज जैसे ही पहुँचना है। गाइस देखिए यहाँ पे हालत क्या हो गया है, ऐसे लग के देख रहा होगा कोई, मतलब एक्सकेवेटर वगैरह आके पूरा खोद के गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जंगली शुकर का पूरा झुंड आके इस एरिया को पूरा खोद के गया है। वो लोग खोदे हैं, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चाहिए उन लोगों कुछ खोदने के लिए। देखिए यहाँ पे इसके अंदर, ये देखिए शायद ये लोग यही खोद के खा रहे थे, इसी के लिए शायद इतना खोदा गया है। ये देखिए ये कोई पेड़ का एक रूट है। ओ गाइस देखिए देखिए यहाँ पे जो आलू टाइप का कुछ है, बहुत ही जूसी दिख रहा है, मैं इसको कट करके निकालता हूँ। देखिए पूरा आलू जैसा ही दिख रहा है, जो रूट दिख रहा है मुझे लग रहा है शायद इधर आसपास तो यही एक चीज है, इसका रूट लग रहा है। देखिए इसके इस एरिया में थोड़ा रेशे रेशे ज़्यादा है, यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा कम है। थोड़ा स्वीट है और बहुत ही जूसी है, जूस बहुत है इसमें,
और इसका टेस्ट करीब जो कच्चा पीनट है ना उसके जैसे इसका टेस्ट आ रहा है, इसलिए शायद शुकर लोग इतना हार्ड वर्क करके ये सारा एरिया को खोदे हैं। चलो मेरे लिए अच्छा है कि वो लोग खोदे और मेरा काम आ रहा है। और बिटर टेस्ट इसलिए लग रहा है शायद, ये जो रेशे निकल गए हैं ना इसके वजह से शायद लग रहा है, वरना जो ओरिजिनल पार्ट है मुझे लग रहा है शुकर लोग उसको खा के चले गए ओरिजिनल पार्ट जो है, और मेरे लिए शायद ये बचा के रखे जो भी हो जितना भी है। और गाइज एक चीज़ ये आप लोगों को बता दूँ, ये तो बारिश के टाइम है, जस्ट बारिश के बाद के टाइम है, लेकिन समर के टाइम में ये ऐसा ही रहेगा। और तब अगर आपको प्रॉपर आइडिया हो तो ऐसी जगह पे इतना खोद के आराम से आपको पानी मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है। चलो गाइज करते हैं। गाइस देखिए इस साइड पानी का आवाज़ बहुत आ रहा है, लग रहा है जो वाटर स्ट्रीम है पूरा डाउनफॉल कर रहा है। और मुझे वहाँ पे दूर में उधर से आते वक्त उस साइड से दूर में जो ये सामने जो पहाड़ी वाड़ी दिख रहा है उसके बगल में ही साइड में ही पूरा खाली दिखा, तो डेफिनेटली अगर खाली है इतना पहाड़ी के अंदर खाली है मतलब वहीं पर ही नदी होगा। और अगर मैं साइलेंटली सुनूँ इसको थोड़ा साइड करके, इस साइड से थोड़ा बहुत पानी का आवाज़ आ रहा है, तो बेसिकली शायद ये जो वाटर स्ट्रीम है ये जाके सीधा नदी को यहाँ पे मीट कर रहा है, नदी इधर जा रहा है। सो गाइस हम लोग को इसी तरफ जाना है क्योंकि ये पूरा खड़ी ढलान है, वाटर स्ट्रीम के सहारे चलूँगा तो आगे ऐसे जगह आ सकता है जहाँ से उतर पाना इम्पॉसिबल होगा, फिर से मुझे चढ़ाई करके पहाड़ी चढ़ाई करके फिर जाना पड़ेगा। लेकिन गाइस सही में अभी टाइम कितना हुआ होगा, करीब 2 बजे हैं, हम लोग सुबह 9:30 अराउंड से चल रहे हैं यहाँ पे, जस्ट ज़्यादा नहीं 2 मिनट रेस्ट करता हूँ क्योंकि गाइस मेरे पास उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, पैर को थोड़ा आराम दे देते हैं 5 घंटे के बाद, वरना क्रैम्प्स वगैरह आ जाएंगे फिर दिक्कत है। तो गाइस यहाँ पे जो वाटर स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया है क्योंकि ढलान खड़ी ढलान है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहीं पे देखिए, यहाँ पे मैं इसी रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इतना खड़ी ढलान है। यहाँ से उतरना बड़ी बात नहीं है क्योंकि वहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गड्ढा है नीचे, आराम से वहाँ पे कूद के जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर यहाँ से उतरूँगा तो आगे जाके ऐसा जगह आ सकता है जहाँ से उतर पाना इम्पॉसिबल है, और वहाँ से चढ़ना भी इम्पॉसिबल है क्योंकि देखिए कैसे पूरा रास्ता है, ऐसे जगह से ऊपर चढ़ पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। तो सबसे बढ़िया रहेगा इधर से साइड से थोड़ा मुझे रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं जब तक कोई ऑप्शन ना हो इस रास्ते में जाने के लिए। तो चलो गाइस चलते हैं। इसलिए मैं साइड से आ गया, अभी अभी फिलहाल तो इसको ही फॉलो करते आगे चलेंगे, लेकिन टायर्ड हो गया हूँ और सामने का नज़ारा बहुत बढ़िया है, तो चलो थोड़ा नज़ारे का एंजॉय करते हैं, मुँह वूँ धो लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर मज़ा आएगा। चलो
क्या सही नज़ारा है यार। मन कर रहा है एक दिन नहा लूँ, इतना पसीना पसीना हो गया, लेकिन आगे बहुत दूर जाना है। गाइस हम लोग नदी के बहुत करीब पहुंच गए। वो देखिए सामने पूरा नदी दिख रहा है, लेकिन पूरा सूखा है। ये नदी इधर गया है और ये जो वाटर स्ट्रीम फिर जाकर नदी को मिला है, लेकिन अभी भी 100-150 मीटर का ढलान जो उतरना है। यहाँ से पूरा खड़ी ढलान है, हम लोग को पहाड़ी के ऊपर से जाना पड़ेगा। और गाइस आप लोग को बता दूँ एक चीज़, सुबह 9 बजे से चल रहा हूँ और अभी शाम के 4 बज गए हैं। सही में थोड़ा डर लग गया था, क्योंकि मुझे लगा था नदी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा नदी का आवाज़ नहीं आ रहा था, पानी इतना कम है नहीं पता, बारिश के टाइम में इतना कम पानी रहेगा मुझे नहीं पता था। तो लगा था शायद इसी पहाड़ी वाड़ी में कहीं पे शेल्टर बनाना पड़ेगा, लेकिन थैंक गॉड नदी मिल गया। और जो हम लोग मतलब ढलान उतर के, बस मैं अकेला नहीं, मैं और मेरा दो कैमरामैन, हम लोग 3 ही जन आए बस। सही बता रहा हूँ गाइज, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रिप था हम लोगों का। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था और रिस्की था। आप लोगों को बहुत सारा रिस्की शॉट नहीं दिखा पाया, क्योंकि 3 जन ही है, वो सबको शॉट फिल्म कर पाना, उसके बाद टाइम में हम लोगों को पहुंचना था नीचे जगह पे। लेट हो जाता इसी जंगल में, अगर रात हो जाता तो बहुत दिक्कत होता, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए बिना कोई वीडियो शूट वूट किए जो भी जितना कर पाया किया, बाकी नहीं करके सीधा आ गया। ज़्यादा बात नहीं करते, टाइम नहीं है, चलना पड़ेगा। सो गाइस देखिए नदी पे पहुंच गया। आप लोगों को नहीं बता सकता कितना सुकून मिल रहा है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अभी शायद शाम के कितने बजे होंगे, 5:30 के आसपास हो गए होंगे, नहीं पता। तो चलो जल्दी से नदी तक चलते हैं, फिर जाके एक अच्छा सा जगह ढूंढना पड़ेगा शेल्टर के लिए। और खाने का तो नहीं पता मुझे, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। चलो चलो गाइस, ये देखिए ये वाला जगह मेरे लिए बहुत बढ़िया शेल्टर का काम करेगा, क्योंकि ऊपर से पानी गिरने वाला है नहीं। जितना भी बारिश आए पूरा सूखा रहूँगा, और पीछे से पूरा पहाड़ी है, एनिमल्स वगैरह से भी सेफ रहूँगा। यहाँ पे बढ़िया से आग वाग लगा सकता हूँ, बढ़िया जगह है गाइस। मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी फ़िलहाल करीब शाम के 5:30 हो गए, 1 घंटा के अंदर अंधेरा हो जाएगा। इतना ज़्यादा टायर्ड में पहले कोई भी ट्रिप में नहीं हुआ जितना ज़्यादा इसमें हुआ, क्योंकि एक मोमेंट के लिए हम लोगों को लगा नहीं सामने वो नदी नहीं है। जबकि अभी जब शाम के करीब 4:30 के अराउंड हो गया था, उस टाइम हम लोगों को लगा ये नदी नहीं है, सामने जो पहाड़ी दिख रहा है उसके अराउंड जाना पड़ेगा, क्योंकि नदी का कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, उसके बाद पानी नहीं था कुछ भी। मुझे लगा, हम लोगों को लगा पहाड़ी के अराउंड जाना पड़ेगा, तब हम लोग को दिक्कत हो गया, क्योंकि अगर वैसा हुआ फिर हम लोग के लिए और भी करीब, अगर पहाड़ी को घूम के जाना होता ना तो और एटलीस्ट 2 दिन लग ही जाते घर पहुंचते पहुंचते। अभी भी 1 दिन लगेगा, उसके अलावा और 2 दिन लग जाते, फिर दिक्कत हो जाता।
गाइस, सर्वाइवल में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि आपको डेली खाना खाना ही पड़ेगा। आपको जब भी जो मिले बस उसका यूटिलाइज करो, 100% यूटिलाइज करो। जब भी जो मिले इतराना नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं, और हमेशा अपने आप को स्टेबल रखो, मेंटली स्टेबल रखना पड़ेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं किया कोई बात नहीं, यहीं पे रुकते हैं, यहाँ से फिर अगले दिन शुरू करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आप अगर घबरा गए कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना ही है, मुझे खाना ही है खाना है, फिर मुझे मतलब ये डिस्टेंस इतना टाइम में कवर करना ही करना है, अगर वैसा करोगे तो आप घबराहट आ जाएगा। जब घबराहट आता है तब लोग मिस्टेक कर बैठते हैं, क्योंकि आप घबराहट में अगर पहाड़ी से उतरोगे तो बहुत ही फास्ट उतरोगे। कैसे? सीधा रोल करते करते गिरते गिरते नीचे आओ। ऐसे ही आपके पास रख देते हैं, सूख जाएगा पूरा, इसे हटा के रखना पड़ेगा वरना देखा सुबह सुबह जला हुआ सॉक्स मिला। सो गाइस मैं चला सुबह, लेग रेस्ट भी मिल गया, सही में बहुत ही सिक्योर है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ गया, मुझे आराम लग रहा है। मैं सो रहा हूँ बहुत ही जल्दी, पूरा प्रॉपर रेस्ट लेके कल सुबह बहुत कुछ करना है, खाना है, बहुत कुछ करना है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहेगा, इसलिए सो रहा हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे ये क्रॉस करने में, पता नहीं शायद और एक रात भी बिताना पड़े, नो आइडिया, लेकिन मैं एग्जॉस्टेड हो गया और मुझे अभी खाना चाहिए। तो गाइस चलो सबसे पहले खाना ढूंढते हैं। देखिए गाइस, जब नदी में पानी ज़्यादा रहता है तब ये सब पानी से भरती रहता है, धीरे धीरे जब नदी का पानी घटता हुआ जाता है तो ऐसे जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है जो वाटर पॉकेट से, और ये सब में छोटे छोटे मछली वगैरह मिलने का चांसेस बहुत रहता है, क्योंकि वो लोग झट से जा नहीं पाते हैं, वो लोग रह जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये गाइस देखिए, मछली तो नहीं है लेकिन स्नेल्स है, बहुत सारे एक्चुअली। इसको मजा आएगा खाने में, एक बड़ा है, लुक एट दिस, इसको मैं अपना पॉकेट के अंदर रख देता हूँ और चलते आगे की तरफ। जल्दी आ भाई। गाइस क्या मिला है हम लोग यहाँ, देखिए आप लोग कैमरा में देख पाएंगे कि नहीं पता, जस्ट थोड़ा अंदर देखिए, लुक एट दैट। इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या, पकड़ के ही रहूंगा, कोई ऑप्शन नहीं इसके पास जाने का।
गाइस ये जो मछली है हम लोग इसको ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं। पहले इसका सर काट देते हैं क्योंकि क्रैब जैसा फिश में कोई बैक्टीरिया नहीं रहता है, आराम से कच्चा खा सकते हैं। क्योंकि कल रात से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मेरे सर वेट नहीं हो रहा है कि मैं जाके इसको रोस्ट करके खाऊं। इसका टेस्ट अच्छा है कच्चा खाने से, लेकिन स्मेल थोड़ा। चलो और देखते हैं और मछली मिलता है कि नहीं। सो गाइस एक्चुअली बारिश थोड़ा और थोड़ा तेज हो गया, इसके वजह से मैं मतलब कैमरा में दिखा नहीं पाया। जस्ट थोड़ा ही सामने जाके मुझे केकड़ा मिल गया, 3 मीडियम साइज, एक छोटा भी है, देखिए गाइस। सो गाइस देखिए मेरा चाय का पत्ता लेके आ गया, इसके अंदर डाल के पानी डाल देते हैं। चाय बढ़िया से रेडी हो गया, माय ग्रीन टी, एक्चुअल ग्रीन टी। सो गाइस मेरा जो स्नेल है मैं डायरेक्ट इसके ऊपर दे देता हूँ, बढ़िया से पक जाएगा। इसको मैं मार दिया हूँ, टेंशन नहीं, इसको भी आग के ऊपर दे देते हैं। सुबह सुबह कड़वापन आ जाता है ना, मज़ा आता है। गाइस इसको निकालते हैं, गरम है ऐसा। इसको खाते हैं अभी। कीचड़ कीचड़ स्मेल है, कीचड़ है। रोस्टेड क्रैब इज द बेस्ट। फिर आप ऐसे ही पूरा ही खा सकते हो। अभी शायद सुबह के 8 या ऐसे कुछ हुए होंगे टाइम, तो जल्दी से मुझे ये सब कंप्लीट करके यहाँ से निकलना है, क्योंकि और कोई काम है नहीं मेरे पास, डायरेक्ट यहाँ से जाना है, नदी किनारे किनारे आगे बढ़ते रहना है जब तक सिविलाइजेशन ना मिले। पता नहीं आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो और एक रात बिताना पड़ेगा। चलो हम लोग का तो खाना कंप्लीट हो गया, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अरे ये जो आग को बुझा देते हैं, जंगल में कभी भी आप लोग ऐसे आग लगा के मत रखना, क्योंकि बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। डेफिनेटली एक ह्यूमन ट्रेल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गाय का पैर का निशान दिख रहा है पूरा।
यहाँ पे भी आगे है, देखिए यहाँ पे पूरा गाय का पैर का निशान है, यहाँ पे देखिए गोबर दिख रहा है। गाइस इसका मतलब हम लोग अपना ये जर्नी कंप्लीट कर लिए। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था ये वाला, बहुत ही टायरिंग, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे पहाड़ चढ़े हम लोग, और फाइनली जाके ये फिनिश हुआ। बहुत सुकून मिल रहा है गाइस। दिस वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रिप टिल नाउ गाइस, सीरियसली। खाने के लिए ज़्यादा कुछ मिला नहीं, ऊपर से इतना ज़्यादा चलना पड़ा, इतना एग्जॉस्टेड, मानो कि अभी जितना भी सुबह से खाया था गायब हो गया, ऐसा फील हो रहा है। चलो कोई नहीं गाइस, हम लोग को रास्ता मिल गया, इसी रास्ते को आगे फॉलो करते हुए जाएंगे तो हम लोग को बहुत ही जल्दी सामने सिविलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा जंगल के अंदर तक लोग गाय चराने नहीं आते, यहाँ तक आए मतलब आस पास ही है। तो चलो गाइज, अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो, जो जो एंड तक देख रहे हो थैंक यू सो मच उन लोगों को एंड तक देखने के लिए, ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मैं चला, आप लोगों को मिलते हैं।